जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री प्रह्लादेश नरसिंह देव भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय श्री सुदर्शन की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम दशम स्कंध ग्यारहवां अध्याय कृष्ण की बाल लीलाएं श्लोक संख्या चार। बालाः ऊचुः अनेन इति तिर्यक् गतम् उलूखलम् विकर्षता मध्यगेन पुरुषौ अपि अचक्ष्महि।
बाला ऊचुर नेने ती तिर्यक गतमुलु खलम विकर्षता मध्य गेन पुरुषावप्य चक्ष्महि बालाऊचुरनेनेति तिर्यक गतमुलु खलम विकर्षता मध्य गेन पुरुषावप्य चक्ष्महि बाला ऊचुर नेनेति तिर्यक गतमुलु खलम विकर्षता मध्य गेन पुरुषावप्य चक्ष्महि विकर्षता मध्य गेन पुरुषावप्य चक्ष्महि बाला ऊचुर नेनेति तिर्यक गतमुलु खलम विकर्षता मध्य गेन पुरुषावप्य चक्ष्महि माताजी कोई बोले बाल ऊचुर नेनेति तिर्यक गतमुलु खलम विकर्षता मध्य गेन पुरुषावप्य चक्ष्महि चुरनेति क्रियगतमुलु खलम विकर्षता मध्य गेन पुरुषावप्य चक्ष्महि बालाह सारे बालकों ने ऊचुहु कहा अनेन उसके कृष्ण द्वारा इति इस प्रकार तिर्यक टेढ़ी गतम हुई उलूखलम ओखली विकर्षता कृष्ण द्वारा खींचे जाने से मध्य गेना दोनों वृक्षों के बीच जाकर पुरुषो दो सुंदर व्यक्ति अपि भी अचक्ष्महि हमने अपनी आँखों से देखा है। अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। तब सारे ग्वाल बालों ने कहा इसे तो कृष्ण ने ही किया है। जब यह दो वृक्षों के बीच में था तो ओखली तिरछी हो गई। कृष्ण ने ओखली को खींचा तो दोनों वृक्ष गिर गए। इसके बाद इन वृक्षों से दो सुंदर व्यक्ति निकल आए। हमने इसे अपनी आँखों से देखा है। तात्पर्य कृष्ण के साथी कृष्ण के पिता को यह कहकर पूरी स्थिति बताना चाह रहे थे कि न केवल वृक्ष ही टूटकर गिरे अपितु इन टूटे वृक्षों से
दो सुंदर व्यक्ति निकल आए। उन्होंने बतलाया, ये सारी बातें घटी हैं और इन्हें हमने आंखों से देखा है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरून् दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनं। रम्या काचित् उपासना व्रजवतो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। दो यमलार्जुन वृक्षों को श्री कृष्ण ने आसानी से गिराया। भगवान के लिए तो कोई कठिनाई की बात नहीं है, भले हमारे दृष्टि से हमें लगे कि इतने दो बड़े वृक्षों को गिराना ये बहुत कठिन काम है, बल्कि तूफान में भी शायद ऐसे नहीं हो सकते इतने बड़े बड़े वृक्षों को गिर जाना। फिर ये बालक कैसे इसे गिरा सकता है? तो ये प्रश्न गोपों के मन में भी आया। जब भीषण आवाज़ सुनी उन्होंने वृक्षों के गिरने की, तो जल्दी से वहाँ पर चले आए और देखा कि ये दो बड़े यमलार्जुन वृक्ष गिर पड़े हैं और इन दोनों के बीच में श्री कृष्ण बड़े आराम से
अपने घुटनों पर अपने हाथों में घूम रहे हैं वहाँ पर, और उखल उनको उनकी कमर जो है उखल से बंधी हुई है, और ये उखल दोनों वृक्षों के बीच में अटक गई है। दूसरे शब्दों में ऐसे प्रतीत हो रहा था कि इस बालक ने उखल को खींचकर दोनों वृक्षों को गिराया। ये वस्तु स्थिति थी। जैसे वहाँ वो आए, गोपों ने देखा, जब देखा तो सोच नहीं पाए, समझ नहीं पाए कि ये कैसे हो सकता है। आंखों के सामने देख रहे हैं कि उखल वृक्षों के ओर तिरछी दिशा में ऐसे खड़ी ऐसे है, और ये वृक्ष इस बालक कृष्ण ने इसको खींचा है, परंतु विश्वास नहीं कर पा रहे कि ये कैसे हो सकता है। अब जब किसी चीज़ की जानकारी लेनी होती है, जैसे अदालत में हो कहाँ, तो साक्षी को बुलाते हैं। फिर कई साक्षी होते हैं, कहते मैंने देखा अपनी आंखों से कि इस व्यक्ति ने चोरी की या खून किया या जो भी है, और फिर जो जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, वो इसके वकील ये साबित करने का प्रयास करते हैं कि नहीं नहीं इस साक्षी के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, देखो इसने इसको शराब पीने की आदत है, या इसकी दृष्टि सही नहीं है, जो भी हो। तो जब छोटे बच्चे आते हैं तो उनका जो साक्ष्य है वो भी उसके ऊपर इतना भरोसा नहीं कर सकते। कभी कभी करते हैं, कभी कभी बच्चों के साक्षी पर ही ये निर्धारित करते हैं। जैसे माता पिता के बीच में कुछ होता है, पिता ने माता की हत्या कर दी, बच्चा कहता हाँ पिताजी ने माता की हत्या की, ऐसे भी कोई घटनाएं हुई थी। परंतु साधारणतः बच्चों की आदत होती है बड़बड़ाना, है ना, तो बच्चे कुछ भी बोल लेते हैं। तो इसलिए बड़े लोग जो हैं उतना भरोसा कभी नहीं करते बच्चों के ऊपर। तो जब गोपगण आए, वो कह रहे थे ये कैसे हुआ, किसने किया, कब हुआ, तो वहाँ बच्चे खड़े थे, हमने देखा ऐसे हुआ, ये कृष्ण को उखल से बांधा हुआ था, कृष्ण आए, उन्होंने दोनों पेड़ गिरा दिए। और इतना ही नहीं, चलो ये तो एक अद्भुत बात हुई कि कृष्ण ने दोनों पेड़ों को गिरा दिया, परंतु और बड़ी अद्भुत बात जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता था, बच्चों ने कहा कि दो बहुत सुंदर पुरुष पेड़ों के बीच में से आए, अंदर से आए। कभी ऐसा दृश्य हम देखते हैं कि दो पेड़ गिर गए, उसमें से अंदर से कोई अच्छे सुंदर आदमी बाहर निकलते हैं, ऐसे तो नहीं दिखाई पड़ता। तो इसीलिए गोपगण सोच रहे थे, अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो बच्चे बोल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, बच्चे तो यूं ही कुछ कहते रहते हैं। तो उनके मन में संशय आया, भ्रमित हो गए कि ये क्या हो रहा है, कैसे हुआ। तो जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण लीला में ऐसे ही गोपगण गोपियां भी अक्सर ऐसे भ्रमित हुआ करते थे। कृष्ण की लीलाएं इतनी चमत्कार की होती हैं, विस्मित कराने वाले होती हैं, क्योंकि वो अपने नाजुक नर लीला में है। देखिए भगवान की लीलाएं वृंदावन में इतने मधुर क्यों हैं? ये ऐश्वर्य का प्रदर्शन भगवान अन्य लीलाओं में भी करते हैं, जैसे बड़े बड़े असुरों का वध करना या कुछ चमत्कार ऐसे कर लेना, परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण एक साधारण बच्चे की तरह बर्ताव करते हैं, इसलिए इसका मिठास बढ़ जाता है। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति धड़ाधड़ बहुत सारे श्लोक बोले शास्त्रों का, तो लोग मानेंगे कि ठीक है बहुत बड़े पंडित हैं, सम्मान करेंगे। परंतु जब कोई छोटा बच्चा ऐसे श्लोकों को कहता जाए तो फिर सारे लोगों के मन में चमत्कार होगा कि अरे विस्मय की बात है, ये छोटा बच्चा बोल रहा है। फिर टेलीविज़न में उसको बुलाएंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी, हाँ समाचार पत्रों में फिर लोग उनसे वार्तालाप करेंगे, क्योंकि छोटा बच्चा कर रहा है। तो बच्चे जब कार्य करते हैं
तो साधारण तौर से वो मीठे हो जाते हैं। दुनिया की दृष्टि में बच्चों के कार्य हैं बहुत लोकप्रिय होते हैं। जब किसी के घर में कोई छोटा बच्चा होता है और कोई अतिथि आए हुए होते हैं तो चर्चा का विषय प्राय बच्चे ही होते हैं। ये बच्चा क्या करता है, देखो ऐसे तोतली बोली में कुछ बोल रहा है, क्या किया है, कल इसने ऐसे किया, कल ऐसे वो गिर पड़ा। तो ये स्वाभाविक है, ये तो दुनिया की रीत है। तो जब श्री कृष्ण बाल लीला, औगंड लीला आदि में थे, तो जब वो इस प्रकार की लीलाएं करते हैं जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल संभव नहीं है, ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं ऐसे, और छोटा छोटे बच्चे होते हुए तब ही और मीठा बन जाता है। कल हम ऐश्वर्य भाव और माधुर्य भाव की चर्चा कर रहे थे। तो अभी दो वृक्षों को गिराकर श्री कृष्ण ने क्या व्यक्त किया, क्या प्रकट किया, अपने ऐश्वर्य को प्रकट किया। किंतु ये क्योंकि ये किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है, बच्चों की बात दूर रही, किसी बड़े मनुष्य के लिए भी संभव नहीं है। तो ऐश्वर्य का प्राकट्य किया, परंतु उनका रूप कैसा था, एक बालक का रूप था। तो जब बालक ऐसे अद्भुत कार्य करता है तो उस लीला की मधुरता और भी बढ़ जाती है। जब दो बड़े आदमियों ने मिलकर खींच के किसी वृक्ष को गिराया तो लोग वाह वाह करेंगे, कितने शक्तिशाली आदमी हैं। परंतु बच्चा ऐसे करता है तो ये लीला बहुत मधुर हो जाती है। तो रूप गोस्वामी पाद बतलाते हैं कि भगवान के अनगिनत अवतार हैं। उनमें से तीन सबसे प्रमुख जो भगवान के रूप हैं वो है श्री कृष्ण, श्री राम और श्री नरसिम्हा। हाँ, गौरांग महाप्रभु अपनी जगह में विशेष है, परंतु ये तीन विशेष हैं। और इन तीनों में से ये पहले दो श्री कृष्ण और श्री राम विशेष हैं। क्यों? क्योंकि वो नरलीला कर रहे होते हैं, और नरलीला में राम की लीलाएं भी मधुर हैं, परंतु श्री कृष्ण की लीलाओं की जितनी मधुर नहीं है। क्योंकि श्री राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा के भीतर रहते हैं, परंतु श्री कृष्ण किसी मर्यादा का पालन नहीं करते हैं, वो जो चाहे वो करते हैं, इसलिए उनकी जो लीला है और भी मधुर होती है। और श्री कृष्ण के बारे में जब बात होती है कि द्वारका लीला हो, मथुरा लीला हो, वृंदावन लीला हो, वही श्री कृष्ण है। परंतु श्री कृष्ण के इन तीन स्थानों में लीला करने की बात जब आती है तो वृंदावन लीला सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार से हमारे आचार्यों ने बतलाया है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण की नर लीलाएं सबसे सुंदर हैं, सबसे मधुर हैं, उनमें से वृंदावन लीलाएं सबसे मधुर हैं। अच्छा, आप सब प्रभुपाद जी के ग्रंथों को बहुत पढ़ते हैं, है ना? तो उपदेश भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण के 64 गुणों का उल्लेख किया है, वर्णन किया है। उनमें से अंतिम जो चार हैं सबसे महत्वपूर्ण हैं, सबसे विशेष है, क्योंकि ये चार गुण भगवान नारायण में भी नहीं पाए जाते हैं। तो आप में से कोई बताएंगे कि ये कौन से चार विशेष मधुर गुण हैं जो श्री कृष्ण में केवल पाए जाते हैं, भगवान नारायण में भी नहीं पाए जाते हैं? हाँ जी, एक एक करके आप बताइए। पहला, रूप माधुर्य, अर्थात उनका रूप इतना अद्भुत है, इतना सुंदर है कि एक मधुरता इसकी अतुलनीय है। तो श्री कृष्ण का वृंदावन में जो सौंदर्य है वो भगवान नारायण के सौंदर्य से भी अधिक है। भगवान नारायण भी बहुत सुंदर है, परंतु उनसे भी अधिक सुंदर हैं श्री कृष्ण। रूप माधुर्य, फिर वेणु माधुर्य या वेणु माधुर्य,
भगवान के सारे रूप समस्त प्रकार के कलाओं से युक्त रहते हैं, परंतु बांसुरी बजाना ये केवल कृष्ण का काम है। कभी हमने भगवान नरसिंह देव को बांसुरी बजाते हुए देखा है? नहीं। भगवान नरसिंह देव बहुत कृपालु हैं, भक्त वत्सल हैं, परंतु अपने वैकुंठ रूप में भगवान नरसिंह देव ऐसे बांसुरी नहीं बजाते हैं, वो भक्तों की रक्षा करते हैं। और जो ऐसे बांसुरी बजाने वाले कृष्ण की सेवा करना चाहते उनके ऊपर कृपा करते हैं ताकि वो वृंदावन लीला में प्रवेश कर सकें। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर स्तुति की है भगवान नरसिंह देव की, 5 श्लोक हैं जिसमें कि उन्होंने प्रार्थना की है कि हे भगवान नरसिंह देव, कृपया हमारे हृदय में जो अनर्थ हैं उनको नष्ट कर दीजिए और राधा कृष्ण वृंदावन में राधा कृष्ण की ओर हमारी मति केंद्रित कीजिए, हमें कृष्ण प्रेम दिलाइए वृंदावन के भाव में। तो वेणु माधुरी बहुत सुंदर। तीसरी बात, हाँ जी, लीला माधुरी। तो लीला माधुरी का क्या अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण के सुंदर लीलाएं ऐसी होती हैं वृंदावन में जो कि और कहीं नहीं पाई जाती। तो किस तरह की लीला माधुरी की बात करते हैं वो विशेष करके यहाँ पे? हाँ हाँ, वृंदावन लीला तो है, परंतु किस प्रकार की लीला? श्रील प्रभुपाद जी जब व्याख्या करते हैं लीला माधुरी के ऊपर तो किस प्रकार की लीलाओं की चर्चा हो रही है? हाँ जी, रास वो बाद में आएगा। और कोई बताइए, बाल लीला। तो ऐसे बाल लीलाएं जो हैं अन्य किसी अवतार में इस तरह से नहीं पाए जाते। तो लीला माधुरी का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में ऐसे सुंदर बाल लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं जो और कहीं नहीं पाए जाते, और मधुरता से माधुर्य से भरे हुए हैं ये बाल लीलाएं, जैसे कि दामोदर लीला है। और फिर चौथा गुण कौन सा है? हाँ जी, प्रेम माधुरी। अर्थात इसकी व्याख्या क्या है बताइए, किस तरह की लीलाएं, क्या है ये प्रेम माधुरी? अर्थात प्रेम की मधुरता किस दृष्टि से? वो है, परंतु प्रेम माधुरी इसका विशेष तात्पर्य क्या है? परकीरस ठीक है, परंतु खास करके? हाँ जी, हाँ, वश में आ जाते हैं वो तो लीला माधुरी में भी है। तो प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि प्रेम माधुरी का तात्पर्य है कि वृंदावन में श्री कृष्ण ऐसे प्रेमी भक्तों से घिरे हुए रहते हैं जैसे कि गोपियां। तो यहां पर माधुर्य रस की का विशेष वर्णन पाया जाता है। और लीला माधुरी की बात होती है तो कृष्ण की बाल लीलाओं की चर्चा हो रही होती है। तो इस प्रकार से इन 4 माधुर्यों में से ये लीला माधुरी भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का के संपर्क में है, के संबंध में है। तो भगवान श्री कृष्ण जब ऐसी लीलाएं करते हैं तो बहुत मधुर वो लीलाएं हो जाती हैं। जब बड़ा आदमी कोई बात करता है तो कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, बच्चे जब पोतली आवाज़ में उसी चीज़ को बोलते हैं तो सब लोग वाह वाह करने लगते हैं। और श्री कृष्ण वैसे भी बहुत मधुर हैं, और जब वो ऐसी लीलाएं करते हैं, जब बाल रूप को स्वीकार करते हैं तो उनकी लीलाएं असीमित मात्रा में और अद्भुत गुणवत्ता से युक्त होकर मधुर हो जाती हैं, अतुलनीय और कहीं नहीं पाए जाते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ऐसे बर्ताव कर रहे हैं कि मानो वो एक छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे, उनको कुछ पता ही नहीं है।
संक्षेप में कल हम ये चर्चा कर रहे थे कि भगवान वृंदावन में भगवान बनना पसंद नहीं करते हैं, भगवान केवल एक ग्वाल बाल बनना पसंद करते हैं। और जब ऐश्वर्य के प्राकट्य का समय आता है, आवश्यकता पड़ती है लीलाओं के लिए, लीलाओं के रस के वृद्धि के लिए, तो उनकी लीला शक्ति उनको याद दिलाती है कि ये है शक्ति आपके पास, ये आपका ऐश्वर्य है, इसका प्रदर्शन कीजिए। फिर भगवान श्री कृष्ण ऐसे लीला का या शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। अच्छा, अभी आपसे ये प्रश्न करते हैं, क्योंकि दामोदर लीला का वर्णन अभी हो रहा है, अभी समाप्त हो रहा है, ये समाप्त हो गई है। जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को उखल से बांधा, और उसके पहले जब माता यशोदा श्री कृष्ण का पीछा कर रही थी हाथ में छड़ी लेकर कि मैं तुम्हें दंड दूंगी, आ जाओ, शरारती हो तुम बहुत, तो श्री कृष्ण की आंखें बड़े बड़े हो गई, भयभीत हो गए श्री कृष्ण, ऐसा वर्णन आता है ना। तो भगवान तो श्री कृष्ण तो मूर्तिमान भय हैं, बल्कि उनसे भयभीत होकर सारे अन्य व्यक्ति कार्य करते हैं। भीषास्माद् वातः पवते भीषो देति सूर्यः, भीषास्माद् अग्निश्चन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः, है ना, ऐसे कहते हैं शास्त्रों में। भीषास्माद् वातः पवते, भगवान श्री कृष्ण से के डर के कारण वायु पवन बहता है। भीषो देति सूर्यः, सूर्यदेव उष्णता और प्रकाश को फैलाते हैं कृष्ण के भय से कि मुझे अपना काम करना है। भीषास्माद् वातः अग्निश्चंद्रश्च, तो अग्नि चंद्र इत्यादि अपने अपने कार्य करते हैं श्री कृष्ण के डर से, क्योंकि नहीं करेंगे तो श्री कृष्ण के द्वारा दंडित हो जाएंगे। मृत्युर्धावति पंचमः, ये मृत्यु है, ये हमारे पंच प्राणों का पीछा कर रही है। हर एक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, वो होगी, और मृत्यु इस कारण से सबका पीछा कर रही है कि भगवान का डर है पीछे, ये एक सेवा है भगवान के लिए। तो सब लोग भगवान से डरते हैं, तो फिर ऐसे भगवान जिनसे बड़े बड़े देवता गण भी, बड़े बड़े शक्तिशाली व्यक्ति भी डरते हैं, अब वो कैसे माता यशोदा से डर सकते हैं? माता यशोदा कोई शक्तिशाली ऐसी व्यक्ति तो है नहीं, साधारण ऐसे प्रतीत होता है, साधारण एक गांव के रहने वाली महिला हैं, ना मंत्र तंत्र में विशारद हैं, ना कुछ योग शक्तियों के द्वारा युक्त हैं, साधारण महिला हैं, गृहिणी हैं। तो क्या श्री कृष्ण वास्तव में डर गए थे, या डरने की नकल कर रहे थे ताकि माता यशोदा को लगे कि मेरा बच्चा डर गया? आप में से ठीक है, अभी हम लोग प्रजातंत्र में रहते हैं ना, तो थोड़ा चुनाव हो जाए, अभी आपको हाथ उठाना है, एक ही बार आप हाथ उठा सकते हैं, और सबको एक बार तो हाथ उठाना है, ठीक है। आप में से कितने भक्त मानते हैं कि श्री कृष्ण डरने की नकल कर रहे थे? हाथ ऊपर कीजिए। एक ही है, एक ही भक्त। अच्छा, अभी आप में से जो भक्त मानते हैं कि श्री कृष्ण वास्तव में डर गए थे, हाथ ऊपर उठाइए। कोई बच तो नहीं गए ना, जो दोनों तरफ उन्होंने हाथ उठाया नहीं, ठीक है। यदि आप इतनी निष्ठा है आपके बारे में, तो आपको समझाना होगा कि ऐसा क्यों है, क्यों है, आपने क्यों ऊपर हाथ उठाया। भगवान से सभी लोग डरते हैं, उसके बारे में शास्त्रों का श्लोक भी मैंने सामने बताया। भगवान सर्वशक्तिमान है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, समस्त चीजें उनसे उत्पन्न होती हैं, बड़े बड़े देवता गण ऋषि मुनि सब उनसे डरते हैं, तो फिर ऐसे भगवान के हृदय में डर कैसे आ सकता है?
जब अभय चरणारविंद जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है वो अभय हो जाता है, तो भगवान कैसे भयभीत हो सकते हैं? समझाइए हमें। माइक माइक है, प्रश्न समझे ना। जिनके शरण को ग्रहण करके व्यक्ति भय से मुक्त हो सकता है, तो वो व्यक्ति कैसे भयभीत हो सकते हैं? प्रश्न सही है ना, बताइए। भगवान क्योंकि लीला करने आए, वो वात्सल्य रस का आनंद लेना चाहते थे, तो वो लीला में मग्न हो गए, इसलिए। तो भगवान वात्सल्य रस का आनंद लेना चाहते थे और लीला में मग्न हो गए, इसलिए क्या हुआ? तो लीला होना, मग्न होना चाहते थे तो आगे सही रास्ते में है, आगे चलिए आप और आगे दो शब्द बोलिए। इसलिए लीला का पूर्ण आस्वादन करने के लिए ये आवश्यक था कि वह वास्तव में एक साधारण बच्चे की तरह डरे। जो साधारण बच्चे होते हैं माँ के डांट से डरते हैं, आजकल नहीं डरते, वो दूसरी बात है, अभी थोड़ा समय ऐसा कुछ हो गया है आजकल, परंतु साधारण तो ऐसे देखा जाता था, कम से कम हम लोगों के बचपन में तो बच्चे माता पिता से डरते थे, आजकल माता पिता बच्चों से डरते हैं। तो साधारण बच्चे माता पिता से डरते हैं, तो जब वात्सल्य रस का स्वाद लेना चाहते हैं श्री कृष्ण, तो वास्तव में कैसे वात्सल्य भाव होता है, वास्तव में डर का अनुभव करना चाहते हैं, केवल नकल कर रहे हैं, फिर उतना आनंद नहीं है ना उसमें, असली चीज चाहिए, नकल नहीं। इसलिए भगवान की लीला शक्ति क्या करती है, जो कि सदैव तत्पर रहती है भगवान को रस का आस्वादन कराने में, तो भगवान को भुला देती है कि मैं भगवान हूँ, और भगवान सोचने लगते हैं मैं तो इनका बच्चा हूँ, मैं माता यशोदा ये का बच्चा हूँ, ये मेरी माँ है, अरे वो मेरा पीछा कर रही है छड़ी लेकर, तो वास्तव में डर जाते हैं, ऐसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। तो इनका निष्कर्ष ऐसे है कि वास्तव में भगवान को भय का अनुभव होता है, और इसके कारण जो वात्सल्य रस का जो मिठास है वो बढ़ जाता है। लेकिन बीच में फिर अचानक लीला के आवश्यकता के अनुसार कभी कभी ऐश्वर्य का प्रदर्शन भी करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण माधुर्य ऐश्वर्य ऐसे प्रकट करते रहते हैं वृंदावन लीला में। जब माता यशोदा के डर से भाग रहे थे तब वास्तव में डरे हुए थे, परंतु जब उखल से बांधने की बात आई तो उस समय दो उंगलियां कम पड़ गई रस्सी को, उस समय फिर से अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। भगवान की लीला शक्ति ने ऐसी सहायता की, और फिर आगे फिर उस उखल को खींचने लगे, ये भी ऐश्वर्य का प्रदर्शन। उखल तो बहुत भारी था, एक छोटा बच्चा उखल को कैसे खींच के ले जा सकता है, और फिर दो पेड़ों को कैसे गिरा सकता है। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि वृंदावन में ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं है, परंतु ऐश्वर्य का प्रदर्शन इस उद्देश्य से होता है ताकि जो माधुर्य की गुणवत्ता और तीव्रता और भी बढ़े। तो ये है विशेषता ऐसे वृंदावन की लीला में। तो भगवान श्री कृष्ण न केवल नरलीला कर रहे हैं, परंतु अब चार माधुर्यों में से कौन से मधुरता की का प्राकट्य कर रहे हैं, लीला माधुरी या लीला माधुर्य। तो जब बच्चे देख रहे हैं, बच्चों के लिए तो ये सत्य है, बच्चों ने कहाँ विज्ञान पढ़ा हुआ है ना, वो तो पाठशाला में जाके विज्ञान नहीं पढ़े कि आजकल लोग आके कहेंगे, ये लीला के पढ़ के कहेंगे विज्ञान के दृष्टि से तो ऐसे हो ही नहीं सकता, पेड़ के अंदर से आदमी कैसे आ सकता है।
आप लोग सब अंधश्रद्धा के शिकार हो गए हो। हाँ, तो ऐसे जो आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखकर विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे तो वो तो निश्चित ही भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए हमें इन लीलाओं को देखना है श्रद्धा के चक्षु से, प्रेम और भक्ति के चक्षु से। अब देखिए, ये दो लोग कौन थे जो बाहर आए? नलकूवर और मणिग्रीव। और उनका अहोभाग्य देखिए, दामोदर अष्टकम में कौन सा श्लोक है जिसमें इनका उल्लेख आता है? हम ये गाएंगे साथ में, श्लोक ऊपर लगा सकते हैं कि समय लगेगा? कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भाजम कृतौ च तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह। तो इसमें सत्यव्रत मुनि कहते हैं, कुबेर आत्मजौ, कुबेर के दो पुत्र थे ना, आत्मज, आत्मज अर्थात पुत्र, आत्मजा पुत्री, आत्मज पुत्र, अपने आप से उत्पन्न होने वाले कुबेर के, लेकिन दो थे ना पुत्र, इसलिए जौ, तो द्विवचन में फिर वो जौ हो जाता है, कुबेर आत्मजौ। फिर क्या है? बद्ध मूर्त्यैव, बद्ध मूर्ति, बद्ध मूर्ति कौन थे? हाँ, कुबेर, नलकुवर और मणिग्रीव थे या कौन थे? श्री कृष्ण बद्ध मूर्ति थे ना, वो तो उखल से बंधे हुए थे। तो बद्ध मूर्त्यैव, तो ये बद्ध मूर्ति जो श्री कृष्ण बंधे हुए थे, ऐसे सुंदर विग्रह श्री कृष्ण जो स्वयं बंधे हुए थे, उन्होंने क्या किया? यद्वत् त्वया मोचितौ, जो बद्ध मूर्ति श्री कृष्ण थे, जो उखल से बंधे हुए थे, उन्होंने ये दो कुबेर के पुत्रों को मोचितौ मुक्त कर दिया। एक मुक्त व्यक्ति ही दूसरे को मुक्त कर सकता है ना, परंतु यहां श्री कृष्ण बंधे हुए हैं, फिर भी उन्होंने इन दो पुत्रों को मुक्त कर दिया। यद्वत, उस श्राप से। कौन से श्राप से? कि वो अभी पेड़ की योनि में थे। तो भगवान श्री कृष्ण जो बद्ध अवस्था में थे, जो बद्ध मूर्ति थे, उन्होंने कुबेर के दो पुत्रों को पेड़ की योनि से, के श्राप से मुक्त कर दिया, मोचितौ। और इतना ही नहीं, उनको संसार से भी मुक्त कर दिया। क्यों? आगे क्या कहते हैं सत्यव्रत मुनि? भक्ति भाजम कृतौ च। भक्ति भाजम अर्थात, भक्ति भाजम का तात्पर्य है, सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि वो व्यक्ति जो पूरी तरह से भक्ति का आश्रय लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, अपने जीवन में एकमात्र उन्होंने उद्देश्य बना रखा है भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों की सेवा, तो यह भक्ति भाजव कृता उच्चा। तो इससे साबित होता है, सनातन गोस्वामी कहते हैं और भागवतम में भी सुखदेव गोस्वामी ने कहा है इसके पिछले अध्याय में, कि भगवान श्री कृष्ण ने इन दोनों भाइयों को कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया। यद्यपि वो बाहर निकले दो पेड़ों से और फिर स्वधाम भेज दिया उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने उनको, परंतु क्योंकि इन दोनों भाइयों ने कृष्ण प्रेम की याचना की थी भगवान से, उनको बड़ा पछतावा हुआ था नारद मुनि के श्राप के बाद, कि हमने कितनी बड़ी गलती कर ली, नारद मुनि के सामने हमने ऐसे हरकत कर लिए जो कि वैसे भी करना ठीक नहीं है, परंतु नारद मुनि के सामने भी हम करते रहे, और फिर नारद जी ने ऐसे श्राप दिया हमें। अब नारद जी तो शुद्ध भक्त हैं, तो नारद मुनि के श्राप में और उनके वरदान में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जब साधारण कोई व्यक्ति श्राप देता है
यदि उसमें शक्ति हो श्राप देने की, तो वो नुकसान के हेतु श्राप देता है। जब वो क्रोधित हो जाता है, किसी की हानि पहुंचाना चाहता है, तो श्राप देता है कि तुम ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। परंतु जब भगवान या भगवान के, भगवान तो श्राप नहीं देते, भगवान के शुद्ध भक्त जब श्राप देते हैं जैसे नारद मुनि, तो ऐसे श्राप सामने वाले के भलाई के लिए ही होता है और उसका भला निश्चित होता है, क्योंकि भगवान अपने शुद्ध भक्तों की का मान रखते हैं। अच्छा, मेरे भक्त नारद ने ऐसे श्राप दिया है ना, तो मुझे तो पूरा करना ही होगा। और नारद तो मेरे प्रिय प्रेमी भक्त हैं, तो वो जब श्राप दे रहे हैं तो भलाई तो होना है इनका, इसलिए मुझे भी प्रेम भक्ति देनी चाहिए इनको। इसका अर्थ ये नहीं है कि शुद्ध भक्त के सामने जाके हम जानबूझ के गलत काम करें ताकि वो हमें श्राप दे दें, फिर भगवान कहें चलो प्रेमा भक्ति दे दें, ये वैष्णव अपराध हो जाएगा, ऐसे हमें नहीं करना है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने दोनों भाइयों को कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया। और जब प्रेमा भक्ति की अवस्था आती है तो ऐसे उसके साथ एक उत्कंठा होती है, एक लालसा होती है भगवान का दर्शन करने के लिए, कि इसका फल होता है भगवान का साक्षात दर्शन। और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा एक आशीर्वाद इन दो भाइयों को दिया, अपना साक्षात दर्शन प्रदान किया। जब ये दो भाई मुक्त हो गए उस वृक्ष की योनि से और बाहर आए प्रकाशमान शरीरों में, तो श्री कृष्ण वहां बाल लीला कर रहे थे, तो श्री कृष्ण के सामने आके उन्होंने नमस्कार किया, श्री कृष्ण की स्तुति की, और उसी बाल रूप में ही श्री कृष्ण ने उत्तर भी दिया उनको कि ठीक है, तुम चाहते थे मेरी प्रेमा भक्ति प्राप्त करना, तो मैं ये प्रदान करता हूँ, अब अपने धाम में चले जाओ। तो अपना दर्शन साक्षात दे दिया, जो कि प्रेम भक्ति में स्थित होने वाले भक्तों की अभिलाषा होती है। वैसे भाव भक्ति की अवस्था में भी भक्ति भगवान का साक्षात दर्शन करने के लिए योग्य हो जाता है, परंतु प्रेमा भक्ति में ये अवस्था और बहुत तीव्र हो जाती है। तो ऐसे इस लीला में यहाँ तक हुआ। तो जो ये बच्चे कह रहे हैं कि ये दोनों भाई, दो व्यक्ति सुंदर पुरुष बाहर आए और फिर चले गए। तो इस प्रकार, अच्छा बाहर हो रहे, तो इस प्रकार से बच्चे जो है वर्णन कर रहे हैं, और गोपों को पता नहीं चल रहा है इनके ऊपर भरोसा करें कि नहीं करें। फिर आगे चल के खुलासा होगा कि हुआ क्या। फिर आगे चल के भक्त लोग संतुष्ट हुए कि नहीं, परंतु बाद में अक्सर ये होता था, अरे भूल जाओ, रहने दो रहने दो, हुआ कैसे भी हो गया, चलो ये तो कृष्ण है ना, बड़े अद्भुत हैं, इनके कार्यों को समझना ये आसान नहीं है। तो ऐसे करके फिर जो भी हृदय मन में भ्रम आदि होता है ब्रजवासी उनको मन से निकाल देते हैं और श्री कृष्ण की मधुरता में फिर से तल्लीन हो जाते हैं। ऐसे वृंदावन लीला होती है, दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण ऐसे ही ब्रजवासियों का जीवन चलता रहा। तो हमारे जीवन की सफलता होगी यदि ऐसे ब्रजवासियों के चरण चिन्हों में हम भी चलने का प्रयास करें, अनुकरण करके नहीं, अनुसरण करके। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें रास्ता बतलाया है कि कैसे हमें वृंदावन के निवासियों के पद चिन्हों में चलना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। किसी के कोई प्रश्न है? हाँ जी, माइक वहाँ दीजिए। लेकिन उसके लिए सुप्रीम पेट्रोल लीला के हिसाब से वो चेंज भी हो जाए।
लीला किस दिशा में जाने सवाल नहीं मिलता होगा। ऐसा नहीं लगता है कि बैचलर भी है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता है कि वो कंट्रोल हो रही है वो स्टेज में, स्टेज्ड है इस दृष्टि से कि भगवान की लीला शक्ति हर कदम भगवान की सहायता कर रही होती है। भगवान स्वेच्छा से अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं, उनका आनंद लेना चाहते हैं, और उनकी लीला शक्तियां और विविध शक्तियां जो हैं वो तत्पर रहती हैं देखने के लिए कि कैसे भगवान की लीला के आस्वादन में सहायता की जाए, जो उस क्षण के लिए बिल्कुल उचित है, आवश्यक है, उस तरह से लीला शक्तियां भगवान की सेवा करती है। तो ऐसे जब मैंने जैसे कहा माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों के, कभी ऐश्वर्य कभी माधुर्य, और वृंदावन में इसकी विशेषता क्या है, ऐश्वर्य का प्राकट्य होने से मधुरता बढ़ती है या कम होती है, बढ़ती है, परंतु वैकुंठ में मधुरता कम होती है ऐश्वर्य के प्राकट्य से। ऐश्वर्य भाव बढ़ जाता है, माधुर्य भाव कम होता है, ठीक है। इसलिए वृंदावन में भी ऐश्वर्य भाव का, ऐश्वर्य का प्राकट्य आवश्यक है माधुर्य भाव की वृद्धि के लिए, ठीक है। देखो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि भगवान को पता नहीं है, है ना, ये भी तो नहीं कह सकते। भगवान में समस्त प्रकार के विरोधाभासों का समन्वय होता है, तो भगवान जानते भी हैं नहीं भी जानते हैं। हम यदि ऐसा कहेंगे भगवान को नहीं मालूम तो ये भी ठीक नहीं। हाँ, भगवान अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं तो उनको नहीं मालूम फिर भी मालूम, ये है भगवान, ये है परम सत्य। ये सारी बातें अचिंत्य हैं, हमारे चिंतन शक्ति के बाहर हैं, ठीक है। हाँ जी, ये माइक यहाँ दीजिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, तो उसी प्रकार से महाराज मेरा प्रश्न था कि वैकुंठ लोक में जहाँ पर विष्णु प्रधान है या साकेत धाम में, वहाँ किस प्रकार की लीलाएं होती है। वहाँ भी अनेक प्रकार की लीलाएं होती हैं, परंतु वहाँ पे ऐश्वर्य की प्रधानता होती है वैकुंठ में। जैसे कि फूलों की माला बनाएंगे, भगवान की आरती उतारेंगे, भगवान के लिए और अनेक तरह से सेवा करेंगे, और विष्णु लोकों में तो वहाँ के निवासी वो विष्णु की तरह ही दिखते हैं, वो भगवान फिर उनके साथ यहाँ वहाँ विचरण करते हैं, घूमने जाते हैं, वैकुंठ लोकों के सौंदर्य के आनंद लेते हैं, बहुत सी चीज़ें करती होंगी। आपको जाना है वहाँ पे कि वृंदावन जाना है, हाँ अपनी इच्छा होनी चाहिए ना, ठीक है। साकेत या अयोध्या यह वैकुंठ और वृंदावन के बीच में है, ठीक। हाँ, पीछे माइक, यहाँ यहाँ यहाँ। Go for it, and I've heard that Krishna doesn't take the form of a small baby in that case. So if that's correct.
प्रश्न ये है कि हमने ऐसे सुना है कि वृंदावन की बाल लीलाएं पर व्योम गोलोक वृंदावन में नहीं होती हैं, तो क्या यह सही है? वैसे गोलोक वृंदावन में नित्य रूप भगवान का कौन सा है? हाँ, किशोर रूप, श्यामम एवं परम रूपम, श्याम ये परम रूप है भगवान का। तो वयम कैशोरकम, तो भगवान का वय जो है कैशोर, किशोर अवस्था में रहते हैं। तो नित्य रूप से भगवान श्री कृष्ण किशोर अवस्था में ही रहते हैं, तो ऐसा गोलोक वृंदावन में नहीं दिखाई पड़ता कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ है और श्री कृष्ण अपने बाल्यावस्था से होकर फिर पौगंड अवस्था में आते हैं, पौगंड अवस्था से फिर कुमार अवस्था में आते हैं, और फिर कुमार अवस्था में आके फिर वैसे रह जाते हैं। ये लीला भौतिक जगत में जब भगवान वृंदावन को प्रकट करते हैं तब होता है। और ये लीलाएं भी नित्य हैं, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं, भगवद गीता के तात्पर्यों में भी समझाते हैं कि क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं एक जगह समाप्त होती हैं तो तुरंत इसी भौतिक सृष्टि में दूसरे ब्रह्मांड में शुरू हो जाती हैं। प्रभुपाद जी कहते जैसे पूतना का वध जब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ इस भौम वृंदावन में हमारे ब्रह्मांड में किया, जैसे ये पूतना वध समाप्त हुई लीला, तुरंत दूसरे ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण पूतना का वध कर रहे हैं। जहाँ दूसरे ब्रह्मांड में पूतना की वध की लीला समाप्त हुई, तीसरे ब्रह्मांड में पूतना लीला चालू है। तो यहाँ पहले ब्रह्मांड में पूतना वध के बाद फिर हो सकता है त्रिणावर्त का हो, शकटासुर का हो, जैसे शकटासुर, फिर दूसरे ब्रह्मांड में फिर शकटासुर, फिर उसके बाद तीसरे ब्रह्मांड में शकटासुर का वध, इस तरह से एक के बाद जितने भी ब्रह्मांड हैं भौतिक सृष्टि में उनमें एक के बाद एक भगवान उन्हीं लीलाओं को करते रहते हैं। और इस प्रकार से भौतिक सृष्टि में भी इन लीलाओं को नित्य कहा जाता है, शाश्वत है ये। परंतु इससे हम जान सकते हैं कि भौतिक सृष्टि का महत्व कितना है, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे लीलाएं भगवान कर सकते हैं जो कि आध्यात्मिक जगत में भी नहीं करते हैं साधारणतः, जैसे असुरों का वध करना। ये क्या आध्यात्मिक जगत में होता है? क्यों नहीं होता है? वहाँ तो असुर है ही नहीं, केवल शुद्ध भक्त हैं वहाँ के, वहाँ पे। फिर भी बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी कहते हैं ऐसे असुरों के आने का अफवाह होता है, अरे आ रहे आ रहे आ रहे असुर आ रहे हैं, उस भाव को जागृत करने के लिए। परंतु वास्तव में तो कोई असुर वहां भगवान के धाम में नहीं हो सकते। ठीक है, हाँ जी, एक अंतिम प्रश्न पीछे, माइक दे दीजिए जरा। हरे कृष्ण, रामलीला में भी भगवान अपने वात्सल्य रस, अयोध्या में भी वात्सल्य रस है, लेकिन वहां पे जो माताएं हैं वो भगवान के प्रति प्रेम भाव से करते हैं, लेकिन कभी डांटने की साहस नहीं करते, देखते वहां पे डरते नहीं है भगवान, माता पिता से डरते नहीं है। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो डरना है कि माता पिता से डरना है, यही वात्सल्य रस का पराकाष्ठा है? पराकाष्ठा ठीक है, लेकिन वात्सल रस का एक लक्षण है ना ये, क्योंकि लक्षण है। तो ऐसे क्यों होता है कि वृंदावन में श्री कृष्ण अपने माता से डरते हैं, राम प्रभु राम जब छोटे बच्चे थे बाल लीला में हो सकता है वो भी थोड़ा बहुत डरते हुए होंगे, वाल्मीकि रामायण में इतना उन्होंने वर्णन नहीं किया है, नहीं मैं समझता हूँ कि रामचरितमानस में कुछ विस्तार में
ऐसी लीलाओं का वर्णन हुआ होगा, हो सकता है बचपन में किया होगा थोड़ा बहुत। जैसे मैंने कहा अयोध्या जो है वो वैकुंठ और वृंदावन के बीच में है। किस दृष्टि से? ऐश्वर्य और माधुर्य इनके संबंध में बीच का स्थान है। अयोध्या में वैकुंठ से अधिक मधुरता है परंतु वृंदावन जितनी मधुरता नहीं है, ठीक है, ये एक बात है। तो हर एक रस के बारे में इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रसाद के रस का आस्वादन करने का समय आया ना। हाँ जी, अंतिम, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण। ये बीच वाला है, ये है ना। अयोध्या में ऐश्वर्य भी है माधुर्य भी है। जैसे मैंने अभी कहा वैकुंठ से अधिक माधुर्य है परंतु वृंदावन जितना नहीं है। तो ऐश्वर्य की प्रधानता है परंतु मधुरता भी है, क्योंकि दशरथ महाराज सोच रहे तो मेरा पुत्र है, कौशल्य माता भी सोच रही तो मेरा पुत्र है। जब ऐसा भाव होता है कि ये मेरा बच्चा है, मेरा पुत्र है, तो इसमें थोड़ी मधुरता आ ही जाती है ना। जब देवकी और वसुदेव ने देखा कृष्ण ने कंस का वध किया तो उनके भाव में, उनके हृदय में ऐश्वर्य भाव आ गया ना। अरे हम तो सोच रहे थे ये हमारे बच्चे हैं पर ये तो भगवान है, तो वात्सल्य भाव शिथिल हो गया, कमजोर हो गया, भगवान को अच्छा नहीं लगा। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। इस्कॉन उज्जैन यात्रा की जय। उज्जैन भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।